तो आज हम बनाने वाले हैं हरे प्याज की रेसिपी। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है इसकी, तो चलते हैं इसकी तैयारी करते हैं और हरे प्याज की रेसिपी बना के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बनाते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल ही सरल तरीका आपको बताएंगे बनाने का। हेलो गाइस, सम्राट साग बाई टी बेबी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे प्याज की रेसिपी। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो इसको मैं साफ पानी से धुल के बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए छोटे साइज के आलू, इनको भी धुल के चॉप कर ले रही हूँ। अब बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगी बनाने का। तो इधर मैंने प्याज, हरी मिर्च, आलू इनको मैंने काट लिया है और अब चलते हैं इनको बनाने के लिए। तो इधर मैं गैस को कर ले रही हूँ ऑन और गैस पर रख दे रही हूँ कढ़ाई और थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ ऑयल। तो ऑयल हो गया है गरम, अब मैं सबसे पहले आलू को फ्राई करूँगी। तो मैं इसी तरीके से सारे आलू फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलू यहाँ पे हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इनको बाहर निकाल ले रही हूँ। तो आलूओं को मैंने सारे आलू फ्राई कर लिए, अब इसमें डाल दे रही हूँ मैं आधी चम्मच हींग और जीरा। जीरा अच्छे से भुन गया है, अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें प्याज, इसको भी अच्छे से भूंज ले रही हूँ। अब प्याज के साथ में मैं हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ जो बारीक काट के रखी है मैंने, इसको भी अच्छे से भूज ले रही हूँ। तो प्याज अच्छे से भुन गई है और अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इन मसालों को भी अच्छे से भूज ले रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब मैं डाल दे रही हूँ आलू जो मैंने फ्राई करके रखे हैं। मैं इसको सीटी में मिला दे रही हूँ और आधी चम्मच भर के डाल दे रही हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। 1 मिनट तक इसको चलाएंगे इसी तरीके से, जो मसाले सारे आलू में मिल रहे हैं। तो मसाले सारे आलू में अच्छे से मिल गए हैं, अब मैं नमक डाल दे रही हूँ स्वाद अनुसार और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ इसमें पानी और इसको ढक दे रही हूँ। तो देखिए गाइस, रेसिपी बनने वाली है, बस थोड़ा सा इसमें टाइम और लगेगा और एकदम कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम ग्रीन ग्रीन सी। तो देखिए गाइस, रेसिपी बन चुकी है, बिल्कुल ही सूखी सूखी रेसिपी बनाई है मैंने और इसमें डाल दे रही हूँ हरी धनिया पत्ती और इसको एक बड़े बर्तन में निकाल ले रही हूँ मैं। तो देखिए गाइस, हरे प्याज की रेसिपी बन चुकी है। कैसी लगी है आपको रेसिपी? अगर बताने या बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें।